चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। कल हमने पेबल्स सॉल्यूशन शो कर दूं उस्मान, अटेम्प्ट है ऑटम 2010 की, तो क्लास के बाद आपने सॉल्यूशन देखना है ऑटम 2010 के क्वेश्चन 7B का। ठीक है, कोई बात नहीं, वही सब कुछ लिखा हुआ जो हमने कल डिस्कस किया था इसमें। तो ऐसी जो चीजें होती हैं हम अपनी बुक पे मार्क कर लिया करें कि पास्ट पेपर्स में ज्यादा एडिशनल लिखी नहीं है। ठीक है जी, ताकि आप वहीं से याद करें पास्ट पेपर से। अब हम शुरू करते हैं अपनी बाकी जो चैप्टर 11 है, छोटा छोटा सा अब रह गया हमारा चैप्टर 11। अगर आपने थोड़ा सा आगे देखा हो, आज हमने सबसे पहले करना है, जैसे हमने पेबल्स किए तो पेबल्स तो हमने पे करने होते हैं। यूजुअली पेबल्स हम उनको कहते हैं जो हमने अपने ट्रेड क्रेडिटर्स को, जिनसे हम बिजनेस की चीजें खरीदते हैं, इन्वेंट्रीज खरीदते हैं, यूजुअली उनको ट्रेड पेबल्स में लेके जाते हैं। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में और भी तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन होती हैं, अक्रूवल्स होते हैं और कंटिंजेंसीज होती हैं। तो आपको पता है कि अक्रूवल्स का मतलब ये है कि कोई भी अभी एक्सपेंस आपने पे करना है, लेकिन अभी आपने नहीं पे किया तो आपने उसको अक्रू कर लिया एस्टिमेटेड बेसिस पे या एक्चुअल बेसिस पे। प्रोविजन का भी आपको पता है कि वो एस्टिमेटेड बेसिस पे हम कोई ना कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हमें वो होता है कि फ्यूचर में कोई लॉस होगा हमारा या कोई एक्सपेंस होगा। और फिर कंटिंजेंसीज भी आपको पता है कि मोटा मोटा कंटिंजेंसी का मतलब ये होता है कि खुदा ना खास्ता फ्यूचर में कोई ऐसा इवेंट होगा जिसके वजह से कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी, और बहुत ही रिमोट केसेस में कभी कभी कोई कंटिंजेंट एसेट भी हो सकता है। तो यहां पर भी आपके एग्जामिनर ने आपके साथ अच्छा ये किया हुआ है कि आपको बुक में बताया हुआ है अकाउंटिंग की डेफिनेशंस दोबारा पढ़ाई हुई है, प्रोविजन क्या होती है, कंटिंजेंसी क्या होती है और अक्रूवल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हम बुक खोलते हैं। पेज नंबर है हमारी बुक का ये 244, और यहां से शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर भी अक्सर क्वेश्चन आता होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इसमें रट्टे के सवाल ज्यादा हो सकते हैं। अब ऑब्वियसली यहां पर हम एस्टिमेटेड बेसिस पे अक्रूवल्स और प्रोविजन और कंटिंजेंसीज एस्टिमेट्स होते हैं, एग्जैक्ट नहीं हमें पता होता, श्योर नहीं होते कि कितनी अमाउंट से होगा या कब होगा। तो आपको पता है कि जब भी एस्टिमेट बेस्ड होती है, जब भी सब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है, जब खुद से डिसाइड करके अकाउंटिंग की कोई फिगर डालनी होती है, तो वो चीज रिस्की होती है, वहां पर ज्यादा काम करना पड़ता है और ज्यादा स्केप्टिसिज्म के साथ। और फिर दोबारा से यही बात कि लाइबिलिटीज में हमारी पांच असर्शन में से सबसे इंपॉर्टेंट असर्शन दो हैं, एक कंप्लीटनेस की, यानी अंडरस्टेटेड नहीं होनी चाहिए लाइबिलिटीज, और दूसरी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि डिस्क्लोजर्स सही कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए लाइबिलिटीज के, ताकि हमारे शेयर होल्डर्स को पता चले लाइबिलिटीज के टर्म्स एंड कंडीशंस का। तो यहां पर भी अगर आप देखें, सबसे पहले आपने लिस्ट लेनी है अक्रूवल्स की कि साल के एंड पे कौन कौन से अक्रूवल्स हैं, आपने उनकी कैलकुलेशन चेक करनी है। तो ये दो लाइनें तो बिल्कुल ऐसे ही याद कर लें। फिर आपको पता है कि अक्रूवल्स जो होते हैं वो साल के एंड पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन के बिल्स, ये साल के बाद महीने के बाद आते हैं, अगले महीने आते हैं। तो हम ईयर एंड पे अक्रू कर लेते हैं, लेकिन बहुत आसान तरीका इनको वेरीफाई करने का यह है कि जैसे जब आप ऑडिट करने जाएंगे साल के बाद, तो इनका बिल आ चुका होगा, कोई ना कोई इनवॉइस आ चुकी होगी। तो आप सबसीक्वेंटली देखें कि इनवॉइस कितनी अमाउंट की थी और इन्होंने अक्रूवल कितनी अमाउंट का डाला है क्लाइंट ने। अगर तो कोई मटेरियल डिफरेंस नहीं है तो उनका अक्रूवल बुक्ड रहने दें, लेकिन अगर कोई मटेरियल डिफरेंस है, उन्होंने बहुत कम या बहुत ज्यादा बुक कर लिया था, तो उसको एडजस्टमेंट एंट्री पास करा के एग्जैक्ट फिगर पे ले आए। ठीक है, ताकि मटेरियल में स्टेटमेंट ना हो। ठीक है जी, फिर अगर उस चीज की अभी तक इनवॉइस नहीं भी आई, बिल नहीं भी आया, तो आप एनालिटिकली देख वेरीफाई करें कि तकरीबन हर महीने कितना बिल आता है। अब जैसे आपको पता है कि सर्दियों में बिल कम आते हैं, गर्मियों में ज्यादा आते हैं, उसी लिहाज से बिल बुक्ड होने चाहिए। ठीक है, फिर अक्रूवल्स में आप अंडर स्टेटमेंट की वजह से परेशान है कि कोई अंडर स्टेटेड ना हो, कोई ऐसा अक्रूवल जो इन्होंने डालना था और भूल गए हो,
तो आप हर महीने के और पिछले सालों को कंपेयर करते हैं कि हर साल के एंड पे तकरीबन कौन कौन सी अमाउंट अक्रूड होती है. फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ बिल अक्रूड नहीं होते, बोनस पेबल होता है साल के एंड पर, वो अक्रू हुआ होता है, इंक्रीमेंट्स की कोई अमाउंट, कोई और एडिशनल चीज इस तरह की जो इन्होंने साल हर साल एनुअली पे करना होता है, तो इनको साल के एंड पे अक्रू करना पड़ता है. ठीक है, इसी तरह से कभी कभी रेंट और इंश्योरेंस प्रीपेड भी होती हैं, और कभी कभी रेंट और इंश्योरेंस अक्रूड भी होते हैं, बाद में पेबल होते हैं. ठीक है, तो हम पिछली सालों की लिस्ट से और जो बिजनेस की नॉलेज है हमें, उससे जज करते हैं कि कौन कौन सी आइटम अक्रूड होनी चाहिए थी और नहीं लिखी हुई. फिर आपने अक्रूअल्स को कंपेयर करना है बैंक की कॉन्फर्मेशन से, कि बैंक की कॉन्फर्मेशन के मुताबिक कहीं कोई चार्जेस तो नहीं आ रहे, बैंक चार्जेस जो इन्होंने नहीं अक्रू किए, कोई इंटरेस्ट के पेमेंट्स तो नहीं है जो इन्होंने अक्रू नहीं की हुई. तो इस तरह से आप अक्रूअल्स को डिसाइड करते हैं. ये अक्रूअल्स उन्होंने आपको सिर्फ बताए हैं एक्सपेंसेस के, सैलरी के अलावा. तो सैलरी भी यूजली साल महीने के बाद अगले महीने पे होती है, कभी कभी कुछ कंपनीज में एडवांस होती है, यूजली ईयर एंड पे जल्दी भी पे कर दी जाती है, लेकिन मोस्टली ये अगले महीने पे की जाती है. तो सैलरीज भी अक्रूड होनी चाहिए. तो आप इसी तरह से देखते हैं कि हर महीने तकरीबन कितनी सैलरी आ रही है, साल के एंड पे कितनी आई है, और अगले महीने के शुरू में फौरन इन्होंने कितनी पे की है, उससे आपको अंदाजा होता है कि सैलरी का अक्रूवल ठीक है या नहीं है. फिर आप देखते हैं कि टैक्सेस के अक्रूवल, जो सैलरी का टैक्स इन्होंने काट के जमा कराना था, क्या वो ठीक है. और आप एनालिटिकली भी वेरीफाई करते हैं, यानी आप मंथली कंपेयर कर रहे हैं, एनुअली कंपेयर कर रहे हैं, और आप बाद में भी पेमेंट्स भी ट्रेस करते हैं कि कितनी इन्होंने पे की है, क्योंकि फॉरन पे हो जाती है, आपके आने से पहले पहले पे हो चुकी होगी, तो आपको अंदाजा आ जाता है कि अक्रूवल ठीक है या नहीं है. तो अगर आपने इस तरह से अगर आप लेकर चलेंगे कि आपने हर चीज की अकाउंटिंग देखनी है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि अक्रूवल होते किस किस चीज के हैं, सैलरीज एंड वेजेस के और एक्सपेंसेस के. और फिर खुद ही से सोचें कि जब अक्रूवल होगा और जब आप जाएंगे, तो उस वक्त अक्रूवल को कैसे कैसे चेक कर सकते हैं कि वाकई उतनी अक्रू होनी थी या नहीं होनी थी. तो यहाँ पर भी देखें, लिस्ट लें, कैलकुलेशन चेक करें, एनालिटिकली वेरीफाई करें, सबसीक्वेंट क्लियरेंस मार्क करें. ठीक है, तो पेपर में आप जहां पे भी सबसीक्वेंट क्लियरेंस लिखेंगे, आपने उसको थोड़ा अलैबोरेट भी करना है, क्योंकि सबसीक्वेंट क्लियरेंस फर्गसन में हम वर्ड यूज करते थे, आपकी बुक में नहीं है. आपने एग्जामिनर को बताना है कि सबसीक्वेंटली हम पेमेंट ट्रेस करते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स में देखते हैं, इसको हम सबसीक्वेंट क्लियरेंस कहते हैं. ठीक है, अब वो थोड़ा टेक्निकल ऑडिट पे आ गया, सॉरी अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पे आ गया. IAS 37 में प्रोविजंस, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स हैं. पहले तो वो आपको डेफिनेशन पढ़ाता है कि ये लाइबिलिटीज हैं, और आपको पता है कि लाइबिलिटी की रीसेंट मोस्ट डेफिनेशन ये है कि लाइबिलिटी कोई भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, यानी इस वक्त आपकी कोई उधार, कोई ऑब्लिगेशन है किसी और की तरफ किसी पास्ट इवेंट की वजह से, यानी पहले कुछ हुआ था हिस्ट्री में जिसकी वजह से इस वक्त आपने किसी का कोई पैसे देने हैं या उसको कोई चीज देनी है. द सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन एन आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, यानी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से इस वक्त प्रेजेंट में मैंने किसी के कोई पैसे वापस करने हैं और उन या कोई चीज वापस करनी है, यानी मेरी कंपनी से इकोनॉमिक बेनिफिट्स की आउटफ्लो होगी, मेरे कोई पैसे या कोई एसेट लगेंगे पे ऑफ करने में. और प्रोविजन क्या है, ये वो लाइबिलिटी है जिसमें आपको टाइमिंग और अमाउंट सर्टन नहीं है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री. ठीक है, इनमें आपको ये तो पता है कि मेरा लॉस होगा, लेकिन आपको नहीं पता किस टाइम पे होगा या कितनी अमाउंट से होगा. यूजली जो लाइबिलिटीज होती हैं उसमें इनवॉइसेस के थ्रू या किसी भी वजह से आपको पता होता है आपने कितना खर्चा पे करना है, जैसे लीज में आपको पता है कि आपने कितना खर्चा पे करना है. लेकिन प्रोविजंस जो हैं उसमें आपको नहीं पता. और यहाँ पे उसने एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गारंटी दी हुई है किसी और पार्टी के बिहाफ पे कि अगर इस पार्टी ने पे ना किया तो मैं करूंगा, अब आपको नहीं पता कि किस टाइम पे करना पड़ जाए या कितनी अमाउंट पे करनी पड़ जाए. या इसी तरह अगर आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है किसी पार्टी के साथ और आपको पता है कि कुछ पे करना पड़ सकता है लेकिन टाइम और अमाउंट नहीं पता, तो फिर आपको प्रोविजंस बुक करनी पड़ेंगी. ठीक है,
अब मसला यही आ रहा है कि इसमें सब्जेक्टिव जजमेंट लगेगी, तो किस तरह से जज करें कि कितना रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करना भी है नहीं करना। तो सबसे पहले तो ये देखें, रिकग्नाइज करने से पहले, प्रोविजन बुक करने से पहले, कि क्या कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट की वजह से, क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउटफ्लो करने पड़ेंगे कंपनी को, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, यानी ये तो लाइबिलिटी की डेफिनेशन ही हो गई, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या आप अमाउंट को एस्टिमेट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते, आपका एस्टिमेट अगर बहुत दूर का होगा, ज्यादा होगा बहुत या बहुत कम होगा, उस एस्टिमेट को बुक करने का कोई फायदा नहीं है अगर उसमें मटेरियल डिफरेंस आ गया बाद में। ठीक है, तो एमल उस्मान सलमान सुबान और जो पांचवी पार्टी है, ये पता नहीं कौन बैठा हुआ है, शायद अब्दुल हकीम, शायद जीशान है। तो जो रिलायबल एस्टिमेट आपने लगाना होता है, अब जैसे अगर आपका किसी पार्टी के साथ लीगल डिस्प्यूट है, तो एमल क्या करेंगे, एमल अपने लॉयर से पूछेंगे कितना बुक करूं, तुम्हारे ख्याल से कोर्ट में कितने पैसे देने पड़ेंगे। अगर उस्मान ने डेटर्स की प्रोविजन बुक की हुई है, तो उस्मान एनालिटिकली सोचेंगे कि हर साल तकरीबन कितनी सेल्स और कितना डेटर जो है और कितने टाइम का डेट पुराना हो जाए, तो कितनी अमाउंट मेरी यूजली लॉस में चली जाती है। ठीक है, इसी तरह सलमान सोचेंगे कि अगर मैंने गारंटी दी हुई है किसी पार्टी के बिहाफ पे, तो कितना मुझे लग रहा है कि वो पार्टी, मैं उस पार्टी से भी पूछूंगा कि कितनी तुम्हें लग रहा है कि तुम पे ऑफ कर सकते हो और बाकी डिफॉल्ट कर जाओगे जो मुझे पे करना पड़ जाएगा। ठीक है जी, और आप सबको पता है अकाउंटिंग पढ़ के कि ऑब्लिगेशन यानी लाइबिलिटीज दो टाइप्स की होती हैं। जी, लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं, एक कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है, एक लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि एमल को कोर्ट ने कहा कि तुमने इतने पैसे देने ही देने हैं, या उस्मान ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था और उस्मान को इतने पैसे देने ही देने पड़ेंगे। और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन का मतलब यह है कि सलमान हर साल अपने एम्प्लॉयज को बोनस देता है, तो इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया हुआ उनके साथ, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन है, हर साल इसके एम्प्लॉयज एक्सपेक्ट करते हैं कि इतने पैसे उनको मिलेंगे, और अगर इस साल ये नहीं पे करेगा तो फिर वो काम नहीं करेंगे, इसलिए उसकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उसको बुक करनी पड़ेगी। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन भी काफी लंबी है, वो है कि जी पास्ट प्रैक्टिसेस या कोई पॉलिसीज आपने अपनी पब्लिश कराई हुई है, या सुबान ने अभी रिसेंटली कोई ऐसी स्टेटमेंट पास किया कि जी इस साल से हम अपने एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, तो दूसरी पार्टीज एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये कंपनी हमें पे ऑफ करेगी इतना, और फिर इस एक्सपेक्टेशन की वजह से आपको उतनी इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उसने दिया है, अ क्लोथिंग रिटेलर मे हैव अ पॉलिसी ऑफ टेकिंग बैक आइटम्स ऑफ क्लोथिंग दैट कस्टमर्स हैव परचेज्ड एंड रीफंडिंग द परचेज प्राइस सिंपली बिकॉज द परचेजर हैज चेंज्ड हिज और हर माइंड आफ्टर परचेज। यानी कभी कभी कुछ दुकानों पे आपके इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि अगर आप उनके पास जाएं और आप उनसे कहें थैंक यू अब्दुल हक, आपने नाम चेंज कर दिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आप दोबारा से पढ़ने आ गए हैं। तो हम सबकी जिंदगियों में थोड़ी थोड़ी मुश्किलें आती रहती हैं, मुश्किलों को फेस करें डटकर, और इनशाला जब आप सीए कर लेंगे ना, तो सब लोग आपके पीछे पीछे भागा करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपके दुकानों पे इतने अच्छे ताल्लुकात होते हैं कि आप कपड़ा अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप, जैसे मेरी सास अक्सर ये करती हैं कि मेरे ससुर के काफी अच्छे ताल्लुकात हैं शहर में, तो वो उनको कभी वो डुअल माइंडेड होती हैं, तो वो दो तीन तरह के सूट ले आती हैं, और फिर दुकानदार को पता होता है कि एक ना एक सूट कम से कम वापस आ जाएगा जो पसंद नहीं आएगा इनको ज्यादा। ठीक है, तो लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है दुकानदार की, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं किया कि मैं अपनी चीज बेचकर दोबारा वापस ले लूंगा, लेकिन आपको पता है कि यूजली वापस ले लेता होता है, इसलिए उस दुकानदार को प्रोविजन बुक करनी चाहिए कि तकरीबन मेरी इतनी चीजें वापस आ जाती होती हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारा हो गया कंस्ट्रक्टिव क्या होती है, लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है, प्रोविजन क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। अब आउटफ्लो ऑफ बेनिफिट्स रिलायबली एस्टिमेट भी होनी चाहिए, यानी आपको कोई रीजनेबल अमाउंट पता होनी चाहिए कि इतनी अमाउंट मेरी आउटफ्लो होगी, और दूसरा प्रोबेबल भी होनी चाहिए। प्रोबेबल की डेफिनेशन ये है मोर लाइकली देन नॉट,
उर्दू में इसको ट्रांसलेट करते हैं, यानी ना होने से होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मोर लाइकली देन नॉट का मतलब है कि होने के चांसेस ज्यादा हैं, ना होने के चांसेस कम है, ठीक है। तो अगर प्रॉबेबल नहीं होती कोई चीज या उसका रिलायबल एस्टिमेट ना हो, फिर हम बुक नहीं कर सकते, फिर हम सिर्फ डिस्क्लोज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हम उस हमें पता ही नहीं कि अमाउंट में मटेरियल डिफरेंस अगर आ जाएगा तो बुक करने का क्या फायदा, या अगर वो होना ही नहीं है, चांसेस ही बहुत कम है उसके होने के, तब भी उसको बुक करने का ओवरली कॉशियस अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए अकाउंट्स में, ठीक है जी। इसीलिए प्रोविजंस की मर्तबा एक्सेस प्रोविजंस भी क्रिएट नहीं करनी, जरूरत से कम भी नहीं करनी, ठीक है, अंडर एस्टिमेटेड भी नहीं होनी चाहिए और जरूरत से ज्यादा भी नहीं एस्टिमेट्स होने चाहिए, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा बुक करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लॉसेस एक्सपेंसेस दिखा रहे होंगे, और अगर आप जरूरत से कम बुक कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर रहे होंगे। तो एक रीजनेबल दरमियान की एतदाल वाली अप्रोच लेके चलनी है और प्रोविजंस को एस्टिमेट करना, ठीक है जी। तो ये तो प्रोविजंस की कहानी होगी, प्रोविजंस के टाइप्स भी यहाँ पे दो तीन लिख लें ताकि आपको याद रहे कौन कौन सी प्रोविजंस होती हैं। गारंटी की इन्होंने बताई आपको, इन्होंने लीगल डिस्प्यूट की बताई, फिर आपकी इन्वेंट्री में होती हैं, आपके डेटर्स के अगेंस्ट होती हैं प्रोविजंस, इसी तरह कुछ और लाइबिलिटीज भी आप प्रोविजंस में बुक करते हैं जिस चीज की भी लॉस का आपको खतरा होता है। अब कंटिंजेंट लाइबिलिटी की दो डेफिनेशन उन्होंने आपको दी है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी की पहली डेफिनेशन ये है, अभी आपने प्रोविजन में पढ़ा था कि प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, इस वक्त आपकी ऑब्लिगेशन है, वो मौजूद है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी में या तो वो आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी या पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, क्योंकि वो फ्यूचर में इवेंट होना है, अभी नहीं हुआ तो पॉसिबल हो सकता है कि आपकी कोई ऑब्लिगेशन बन जाए किसी भी पास्ट इवेंट्स की वजह से, यानी आपने पास्ट में कोई ऐसी चीज प्रॉमिस की थी जिसकी वजह से हो सकता है, पॉसिबल है कि फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स का आउटफ्लो करना पड़ जाए। और कंफर्म कैसे होगी ये, फ्यूचर में कुछ होगा तो कंफर्म, फ्यूचर में कुछ होगा या फ्यूचर में अगर कुछ नहीं होगा उससे कंफर्म होगा कि आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स पे करने हैं कि नहीं करने। फिर कंटिंजेंट लाइबिलिटी की दूसरी डेफिनेशन ये है कि इस वक्त आपकी ऑब्लिगेशन है पास्ट इवेंट्स की वजह से, लेकिन आप उसको रिकग्नाइज इसलिए नहीं कर सकते कि या तो आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते या वो चीज प्रोबेबल नहीं है, ना होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए उसको बुक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको डिस्क्लोज कर लें, ठीक है। तो यही प्रोविजन और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में फर्क है कि प्रोविजन का भी टाइमिंग का आपको नहीं पता, कंटिंजेंट लाइबिलिटी की भी टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन प्रोविजन में आप एस्टिमेट लगा सकते हैं और वो चीज प्रोबेबल होती है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आप प्रोबेबल नहीं होती, एस्टिमेट नहीं लगा सकते, या वो पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, अभी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर आप रिलायबल एस्टिमेट नहीं लगा सकते या अगर आपके सिर्फ पॉसिबल ऑब्लिगेशन है तो वो आपकी कंटिंजेंट लाइबिलिटी होगी। और कंटिंजेंट एसेट्स का उन्होंने बताया कि पॉसिबल एसेट है पास्ट इवेंट्स की वजह से, लेकिन फ्यूचर में पता चलेगा कुछ होने या ना होने पे कि इसको बुक करना या नहीं करना। तो कंटिंजेंट एसेट्स का आपको पता है कि एसेट्स हम ओवरस्टेट नहीं करते होते, ठीक है जी। तो इसकी एग्जाम्पल भी ये है कि आपका किसी से कोई फड्डा चल रहा था और हो सकता है केस की आपकी फेवर में केस डिसाइड हो जाए, आपको फायदा हो जाए, आपको पैसे मिल जाए, लेकिन आप इस चीज को बुक नहीं करते, ठीक है जी। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अनलाइक प्रोविजंस, कंटिंजेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज को आप रिकग्नाइज नहीं करते, किसी अमाउंट से बुक नहीं करते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और लेजर में भी डबल एंट्री पास नहीं करते, लेकिन अक्सर आप इनको डिस्क्लोज करते हैं। तो आपने कभी अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं आपको भी दिखाती हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बल्कि मैं आपको पीआईए की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल कर दिखाती हूँ। मैं जब ओपिनियन पढ़ाती होती हूँ तो मैं यूजुअली पुरानी ओपिनियन जब होती थी हमारे पास
तो पुरानी ओपिनियन में मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाती होती थी, आपको वही दिखाते हैं। और अपनी पीआईए की दिखाते हैं। अच्छा, कि पीआईए की नहीं, चुनाव की है। तो इस तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं पब्लिश्ड। अभी ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन चल रही है, ये रिव्यू रिपोर्ट चल रही है, ऑडिटर्स रिपोर्ट चल रही है, और ये बैलेंस शीट हो गई। तो आप देखें बैलेंस शीट के नीचे यहां पर ऊपर सारी कैपिटल आ गया आपका, आपकी लाइबिलिटीज आ गई, नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज आ गई। और आप देखें इन सब के आगे वैल्यूज लिखी हुई हैं, लेकिन कंटिंजेंसीज का आप सिर्फ यहां पे लिखते हैं कि कंटिंजेंसीज हैं, और आप नोट दे देते हैं कि नोट नंबर 14 में कंटिंजेंसीज डिस्क्लोज्ड हैं, और इसकी कोई भी अमाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक नहीं की जाती, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फेस पर, यानी बैलेंस शीट के फेस में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के फेस पर आपने दिखा दिया कि हमारी कंटिंजेंसीज है, आपने डिस्क्लोज की है। अब फलाने नोट में जाकर इनको पढ़ लें, और नीचे लिखा हुआ है कि द अनेक्स्ट नोट्स फॉर्म, ओहो क्या करती है मिस आप, दी अनेक्स नोट्स फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, की यानी जो नोट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिंजेंसीज में अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स कंपनी के रिकॉर्डेड होते हैं, लेकिन उनकी अमाउंट रिकॉर्डेड नहीं होती। तो इसलिए ये लाइन लिखी जाती है कि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के फिगर्स मत देखें, जाके नोट्स भी पढ़ें। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज डिस्क्लोज की जाती हैं अनलेस के रिमोट चांसेस हों, और रिमोट का मतलब है कि बहुत ही कम चांसेस हैं होने के। और कंटिंजेंट एसेट्स का रिवर्स होता है, कि कंटिंजेंट एसेट्स सिर्फ तब डिस्क्लोज होते हैं जब वो प्रोबेबल हो, ठीक है। लेकिन कंटिंजेंट लाइबिलिटीज अगर प्रोबेबल हो और अगर पॉसिबल हो तो दोनों केसेस में डिस्क्लोज होती हैं, सिर्फ रिमोट के केस में डिस्क्लोज नहीं होती, ठीक है जी। डिस्क्लोजर देते कैसे हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं कि किस तरह का एसेट या लाइबिलिटी है, और एग्जैक्ट तो अगर एस्टिमेट आप नहीं दे सकते, फिर भी एक एस्टिमेट बताएं कि तकरीबन कितने का एसेट या लाइबिलिटी है, और अनसर्टेनिटी किस वजह से है, किस वजह से आप उसकी अमाउंट बुक नहीं कर सकते, ठीक है। और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज में ये भी बताएं कि क्या अगर आपको लॉस होता है तो कहीं और से आपका लॉस पूरा हो सकता है, रीएम्बर्स हो सकता है कहीं से, ठीक है। तो ये तो हमने डेफिनेशंस पढ़ी अब्दुल हक, एमल, उस्मान, सलमान और सुबान के, प्रोविजंस और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स क्या होते हैं। अब हमने इनके ऊपर काम कैसे करना है, इसमें भी वही मसला है कि डिस्क्लोजर्स और अंडरस्टेटमेंट का आपको खतरा है कि अंडरस्टेटेड ना हो या डिस्क्लोजर गलत ना हो। तो सबसे पहले आपने हमेशा की तरह लिस्टिंग ली प्रोविजंस की, कि क्लाइंट ने क्या क्या प्रोविजंस डाली हैं, क्या क्या कंटिंजेंट लाइबिलिटीज डाली हैं। फिर आपने सब इसके साथ आप खुद से वही प्रोसीजर भी लिख लें कि आपने कैलकुलेशन भी चेक कर ली प्रोविजन की। फिर आप देखें कि क्या ये प्रोविजन की डेफिनेशन को मीट करता है IAS 37 की, और प्रोविजंस हर साल चेंज होती हैं, यानी पिछले साल डाउटफुल डेट्स की कुछ और थी, इस साल वो चेंज हो जाएगी। तो जितना चेंज आया है क्या वो ठीक है, यानी जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस था प्रोविजन का, ड्यूरिंग द ईयर आपने मजीद प्रोविजन बुक की, हो सकता है कुछ प्रोविजन आपने रिवर्स कर दी हो क्योंकि वो डाउटफुल डेट आपको पैसे आ गए हों डेटर से, ठीक है। तो कितनी प्रोविजन आपने मजीद बुक की है नए डेटर्स पे और पुराने डेटर्स पे, और कितनी आपने रिवर्स कर दी है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, ठीक है। WRR क्या होता है सलमान, ठीक है जी। तो फिर आप देखें कि क्लोजिंग बैलेंस उनका ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। अच्छा सलमान, मैं अभी ये बताती हूँ। फिर आप देखें कि कोई प्रोविजन आपको लग तो नहीं रही कि इन्होंने मिस कर दिया, और ये भी आप अक्रूवल्स की तरह देखेंगे कि यूजली ये कौन कौन सी प्रोविजन बुक करते होते हैं, ठीक है। आप पिछले सालों से कंपेयर करेंगे, आप एनालिटिकली सोचेंगे, आप देखेंगे कंपनी ने कोई ऐसे कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस, कोई ऐसी
चीजें तो नहीं अनाउंस की जिनकी वजह से इनकी कोई और प्रोविजन भी बुक होनी चाहिए थी। फिर जब आप लॉयर्स से कॉन्फर्मेशन मंगवाएंगे, डेटर्स से मंगवाएंगे, क्रेडिटर्स से मंगवाएंगे, उससे भी आपको डिस्प्यूट्स पता चल जाएंगे कि कोई प्रोविजन बुक होने वाली है या नहीं है। ठीक है, अब सलमान ने क्वेश्चन पूछा कि क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी हमारे सब्सटैंटिव प्रोसीजर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। ये होता क्या है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन एक खत होता है जो आप एंड में, हमने शुरू के चैप्टर्स में भी ये डिस्कस किया था, चैप्टर 3-4 में, आप क्लाइंट का ऑडिट कर रहे हैं और मैनेजमेंट ने अगर आपको इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं दी तो आपके पास गैप कर नहीं है कि आप बता दें कि भाई हम ऑडिट तो कराएं और हमने हर चीज 100% ठीक चेक कर लिए। तो आप ऑडिट खत्म होने से पहले, ओपिनियन देने से पहले, क्लाइंट से कहते हैं कि हमें खत के ऊपर साइन करके दो कि तुमने हमें हर चीज की इंफॉर्मेशन ठीक दी है। और जो रिस्की चीजें होती हैं हम वो ज्यादा मेंशन करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजंस जो जितनी भी प्रोविजंस आ रही हैं, इन्वेंट्री का स्टॉक काउंट आ रहा है, डेटर्स की कॉन्फर्मेशन आ रही हैं, तो जो भी रिस्की आइटम्स हैं हम सारी उनसे साइन कराते हैं, खास तौर पे जिनमें सब्जेक्टिव जजमेंट है, जिसका और कोई एविडेंस नहीं है, जो खुद से जज करके एस्टिमेट करके अमाउंट्स लिखनी है। तो इसलिए ये भी एक सब्सटैंटिव प्रोसीजर में अक्सर हम लिखते होते हैं। ठीक है, फिर कंटिंजेंसीज में भी सबसे पहले आप लिस्ट लें कंटिंजेंसीज की, अगर कोई उसमें कैलकुलेशन है वो चेक करें, फिर देखें कि क्लाइंट, जी बिल्कुल सलमान, इसको भी कॉमन पॉइंट में एड कर सकते हैं, वेरी नाइस। फिर कंटिंजेंसीज में आप देखें कि मैनेजमेंट किस तरह से कंटिंजेंसीज को आइडेंटिफाई करती है, मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स देखें, मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग्स देखें कि इन्होंने कौन कौन से रेजोल्यूशन पास किए हैं जिससे कंटिंजेंसीज जिससे रिलेटेड हो। फिर आप अखबारों में देखें, ट्रेड जर्नल्स देखें, बिजनेस के अखबार देखें कि इनकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी कंटिंजेंसीज यूजली होती हैं। लॉयर्स के साथ और जो इनकी लॉयर्स के साथ आपने भी कॉन्फर्मेशन मंगवानी है लॉयर्स से, और जो इनको लॉयर्स की तरफ से इनवॉइसेस आई हुई है उसमें भी देखें कि कौन कौन से केसेस लड़ने की वजह से इनको पे करना पड़ा इन लॉयर्स को। ठीक है, फिर उसके अलावा डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन भी भिजवाएं लॉयर्स को, लॉयर्स से पूछें, और ये भी बिल्कुल वैसे कॉन्फर्मेशन होती है जैसे डेटर्स की होती है, जैसे बैंक की होती है, जैसे क्रेडिटर्स की होती है, कि आप लॉयर से कहते हैं कि बताओ इनका कौन कौन सा केस है, किस पार्टी के साथ है, क्यों है, कितनी अमाउंट तुम्हें लग रही है सेटलमेंट के लिए, और डायरेक्टली हमें रिप्लाई करना। और इसमें भी आपको मैनेजमेंट से खत भिजवाना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर फिर भी आपको तसल्ली नहीं हो रही कंटिंजेंसीज में तो आप देखें कि आपको किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो आप एक्सपर्ट को भी हायर करें। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा हैवी पोर्शन था कंटिंजेंसीज और प्रोविजंस का, क्योंकि ये थोड़ी सी हटके हैं, इनमें एस्टिमेट्स थोड़े ज्यादा हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज का ऑडिट आ गया। नॉन करंट लाइबिलिटीज आपको पता है कि यूजुअली लोन होता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में यूजुअली आपका लोन, कोई भी डेट होता है आपका लॉन्ग टर्म, तो इन्होंने बताया हुई है कि लोन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, लोन स्टॉक हो सकता है, लोन नोट्स हो सकते हैं, बैंक लोन्स हो सकते हैं, और लीज हो सकती है, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज तो लॉन्ग टर्म हो या ना हो यहाँ पे नहीं रिकॉर्डेड होती, फाइनेंस लीज लॉन्ग टर्म में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं जी, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं जल्दी से। ओहो, सुबान ने कहा लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है, किस नेचर की होती है, वेरी नाइस। ये बिल्कुल ऐसे होती है जैसे शेयर सर्टिफिकेट से आप कैपिटल रेज करते हैं, लेकिन अगर आप शेयर सर्टिफिकेट की तरह सर्टिफिकेट इश्यू करें जिनसे आप शेयर कैपिटल के बजाय लोन उठाएं, मतलब शेयर कैपिटल में आपने शेयर सर्टिफिकेट इशू किए थे, डिबेंचर में भी आपने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, लेकिन आप इक्विटी नहीं उठा रहे, आप डेट उठा रहे हैं,
आप जो पैसे ले रहे हैं उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, ठीक है। तो ये डिबेंचर्स होते हैं। लोन स्टॉक का भी यही मतलब है। लोन ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजी डिफरेंट कंट्रीज की, हम शेयर्स बोलते हैं इक्विटी को अब पाकिस्तान में और यूके में, और यूएसए में शेयर्स को स्टॉक बोलते हैं। हम इन्वेंट्री को स्टॉक कहते हैं, वो शेयर्स को भी स्टॉक कहते हैं। तो लोन स्टॉक भी यही होता है कि आपने शेयर्स इशू किए हुए और लोन उठाया हुआ है, डिबेंचर्स ही हो गए। लोन नोट्स भी ये होते हैं कि आपने सर्टिफिकेट्स के बजाय नोट्स इशू किए हुए हैं और लोन उठाया हुआ है, फिर बैंक से आपने लोन उठाए हुए हैं। तो ये जो डिबेंचर्स, लोन स्टॉक और लोन नोट्स हैं, ये यूजली आपने जनरल पब्लिक से, डिफरेंट लोगों से लोन उठाया होता है। बैंक से जब आप लोन उठाते हैं तो बैंक लोन हो गए, और फाइनेंस लीज यूजली बैंक करता है, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं जो फाइनेंस लीज करते हैं, ठीक है जी। तो ये तो आपको पता है कि जो 12 महीने से ज्यादा लंबी लाइबिलिटी होगी वो लॉन्ग टर्म होगी, वो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में आनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन नॉन करेंट लाइबिलिटीज में इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्योंकि आपने किसी से लंबा उधार लिया होता है, तो आपके किसी ना किसी एसेट की कोई सिक्योरिटी होती है कि इन केस आप डिफॉल्ट करते हैं तो कोई प्लेज, कोई मॉर्टगेज, कोई लियन, कोई चार्ज होता है आपके एसेट्स के ऊपर। फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस बड़ी स्ट्रिक्ट होती हैं कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, जो आपने पढ़ा था एनालिटिकल प्रोसीजर्स में, कि कंपनी का इंटरेस्ट कवर इतना होना चाहिए ताकि इतना प्रॉफिट आए कि इंटरेस्ट भी पे हो जाए, प्रॉफिट बच भी जाए डिविडेंड के लिए और टैक्सेस के लिए। फिर उसमें ये भी कंडीशंस होती हैं कि करंट रेशो आपकी इतनी होनी चाहिए, क्विक रेशो इतनी होनी चाहिए, इतने एसेट्स पड़े होने चाहिए हर वक्त, कौन कौन से एसेट्स पे फिक्स चार्ज है, हर वक्त चार्ज है कितनी अमाउंट का। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें भी यही है कि आपने लिस्टिंग ली, लॉन्ग टर्म कौन कौन सी लाइबिलिटीज है इनकी, फिर आपने उसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक की, आपने ओपनिंग बैलेंस पिछले साल से चेक किया। तो सलमान इस प्रोसीजर को भी हर चीज में डाल लें कि आपने हर चीज का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, पेएबल्स, हर चीज का ओपनिंग बैलेंस मैच करना होता है, ठीक है, वेरी नाइस सलमान। फिर आपने देखना है कि ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने मजीद कितना लोन लिया है उसको एड कर लें, कितना पे बैक कर दिया है उसको बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस करें, फिर देखें कि लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, क्या कंपनी उन कोवेनेंट्स को, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रही है या नहीं, वरना तो इसको पे बैक करना पड़ जाएगा फौरन। फिर देखें कि जूम आउट हो गया, किधर गया, ओहो ये क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही, कितने लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आवाज तो आ रही है लेकिन मेरी तस्वीर नहीं आ रही। ये तस्वीर में जो है ना मेरी बुक नहीं खुल रही, चले बुक मैं दोबारा खोल लेती हूँ। Somehow मेरी स्टडी टेक्स्ट एग्जाम से बंद हो गई है और इस पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पहले भी मेरी तस्वीर नहीं आती, नहीं जो मुझे तस्वीर नजर आनी चाहिए बुक की। अच्छा जी, मेरी somehow बुक हैंग हो गई है, तो मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में आपने मजीद क्या करना है, आप सबके सामने भी बुक खुली हुई होगी। तो आपने ये भी देखना है कि इन्होंने जो रीपेमेंट्स है वो बैंक में ट्रेस करनी है, आपने इंटरेस्ट रिकैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट कितना बनता था, क्या इन्होंने भी एक्सपेंस ठीक अक्रू किया हुआ है, आपने डायरेक्ट कॉन्फर्मेशन मंगवानी है कि इस वक्त कितना लोन मजीद पेएबल रह गया, और फिर आपने लीगल रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि क्या कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे एसेट्स के ऊपर चार्जेस हैं। आपने देखना है कि जो क्लासिफिकेशन हुई हुई है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पोर्शन की, करंट और नॉन करंट पोर्शन की, क्या वो ठीक है, और फिर आपने देखना है कि क्या कोई अनयूजुअल एंट्रीज तो नहीं है कि एकदम से लोन आ रहा है फिर एकदम से गायब हो गया फिर एकदम से उसका इंटरेस्ट आ गया, उन चीजों को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया लॉन्ग टर्म का पोर्शन, और फिर छोटा सा पोर्शन आ गया जो हम पढ़ लेते हैं इक्विटी का, आज एंड करते हैं इक्विटी के ऊपर।
इक्विटी का ऑडिट सबसे आसान लगता है लोगों को, लेकिन इक्विटी का ऑडिट भी बड़े आंखें खोल के करना पड़ता है। आपको पता है कि कंपनी की इक्विटी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आ रही होती है, वहां से चेक करनी होती है। फिर आपने देखना है कि ऑथराइज कैपिटल जो होता है, आप सबको ये तो पता है ना ऑथराइज कैपिटल में और इशूड शेयर कैपिटल में क्या फर्क होता है। मेमोरेंडम में ऑथराइज कैपिटल भी आ रहा होता है, इशूड भी आ रहा होता है। ऑथराइज का मतलब है कि कितनी अप्रूव्ड लिमिट है, आप कितना कैपिटल इशू कर सकते हैं, वो ऑथराइज कैपिटल होता है मेमोरेंडम के अंदर। और इशूड का मतलब है कि उस टोटल में से आपने इशू कितना किया है, ठीक है। तो आपने ये देखना है कि ऑथराइज कैपिटल के मुताबिक कैपिटल इशूड होना चाहिए। फिर शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है, कितने का शेयर है एक, आपने शेयर सर्टिफिकेट देखना है उसको कंफर्म करने के लिए। अगर मजीद शेयर इशू किए हैं तो आपने उनके शेयर सर्टिफिकेट की कॉपीज देखनी है, आपने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में और जो मजीद शेयर इशू करने के लिए रेजोल्यूशन पास होती हैं उनके मिनट्स देखने हैं, जो रजिस्ट्रार को डॉक्यूमेंटेशन जमा करानी पड़ती है वो देखनी है, कोर्ट के अप्रूवल्स देखने हैं। और फिर आपने ये देखना है कि मजीद जो शेयर इशू हुए हैं वो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंबर्स की एंट्री की है उन्होंने या नहीं की, जो कैश उसके अगेंस्ट रिसीव हुआ है वो बैंक स्टेटमेंट में ट्रेस करना है। तो आपने आप इसमें भी वही प्रोसीजर्स लिख सकते हैं कि पहले लिस्टिंग लें, कैलकुलेशन चेक करें, ओपनिंग बैलेंसेस चेक करें, जो ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल कैपिटल आया उसको चेक करें एटसेट्रा। फिर जो आपके रिजर्व होते हैं इक्विटी के अलावा, जो आपका क्या जिसको हम वो भी बोलते होते हैं अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स का एक और नाम क्या होता है, मतलब आप रिजर्व समझ गए कि जो आपके प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो आपके आ रहे हैं, जो हर साल आपका प्रॉफिट ऐड होता जा रहा है, उसमें भी आपने सबसे पहले लिस्ट लेनी है, ओपनिंग बैलेंस मैच करना है, ड्यूरिंग द ईयर उसमें कितना प्रॉफिट ऐड हुआ है, कितने डिविडेंड्स पे हो गए हैं वो आपने चेक करने हैं, डिविडेंड्स की पेमेंट अगर हो गई है तो पेमेंट ट्रेस करें, अगर नहीं हुई तो अक्रूअल बुक होना चाहिए वो चेक करें। फिर डिविडेंड्स के लिए रेजोल्यूशन पास होती हैं जिसमें अनाउंस होते हैं डिविडेंड, मीटिंग्स होती हैं बोर्ड की और जनरल मीटिंग्स, वो देखें कि एजीएम में या बोर्ड ने अगर डिसाइड किया। फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स देखें, जैसे आपको पता है कि सरप्लस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जो है वो सेपरेटली दिखाई जाता है हमारे पाकिस्तान में, वो देखें। फिर अप्रूवल्स चेक करें डिविडेंड के, कैलकुलेशन चेक करें डिविडेंड की। और आपको पता है कि पाकिस्तान में लीगली आपके सिलेबस से अब निकाल दिया गया है सीए इंटर तक के सिलेबस से, कैफ के सिलेबस से, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए अक्सर लोग इक्विटी का ऑडिट करते हुए ये चीजें चेक नहीं करते कि बुक्स कौन कौन से मेंटेन होने चाहिए अकॉर्डिंग टू कंपनीज ऑर्डिनेंस। तो जब हम ओपिनियन देते हैं पाकिस्तान में कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक, तो हम कहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट और जितनी भी चीजें कंपनीज ऑर्डिनेंस के मुताबिक रिक्वायर्ड थी वो पूरी हैं। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस रिक्वायर करता है के मिनट्स होने चाहिए बोर्ड मीटिंग्स के और जनरल मीटिंग्स के, मेंबर्स का, शेयर होल्डर्स का और डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर होना चाहिए, डायरेक्टर्स का रजिस्टर होना चाहिए और उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनी के ट्रांजैक्शन डायरेक्टर्स के साथ हो रही हैं। कंपनीज के एसेट्स के ऊपर अगर कोई चार्ज है, कोई मॉर्टगेज है, उसका रजिस्टर होना चाहिए। फिर डायरेक्टर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के साथ और जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पड़े होने चाहिए कंपनी के पास। तो ऑडिटर ने ये सारी चीजें भी चेक करनी है, क्योंकि ओपिनियन देने दवा, जैसे आपको पता है कि ओपिनियन में उसने बताना होता है कि ज़कात डिडक्ट हुई कि नहीं हुई, ज़कात डिपॉजिट हुई कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उसने चेक करेगा तो ओपिनियन देगा इनके ऊपर। तो ये सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स में उसने बतानी है, ठीक है जी। तो आपके अभी हम कल इंशाल्लाह पास पेपर देखेंगे तो एक थोड़ा सा डिफरेंट सवाल भी आया हुआ है इक्विटी के ऊपर। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है जी तनख्वाह, पर्क्स, तनख्वाह के अलावा सैलरी के अलावा जो मजीद पर्कजेट्स भी मिले हुए हैं वो इमोल्यूमेंट्स होती हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स को जो मिली होती हैं। तो सलमान मुझे आपका मैसेज रिसीव हो गया, मैं अब उसके इमेजेस चेक करके फिर आपको रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का। तो आपने देखा कि अभी इन चैप्टर्स में बहुत कुछ है याद करने वाला, तो इनको टाइमली साथ साथ याद करें ताकि पेपर में सबसे ज्यादा मुश्किल आपको यही चैप्टर याद करने में आएगी।
अभी जनवरी में ही आप ये सब याद करके जाएं, और मंडे को इंशाल्लाह हम इन सब का एक ग्रैंड टेस्ट रखते हैं चैप्टर 9, 10, 11 का, ताकि आपके ये चैप्टर भी बहुत अच्छे कवर हो जाए। और सैटरडे को मैं प्रॉब्ली क्लास इसीलिए नहीं रखूंगी ताकि आप इस वीकेंड को ये चैप्टर्स अच्छे से तैयार कर सकें, ठीक है? तो प्लीज रोज के रोज साथ के साथ तैयारी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, खुदा हाफिज।